आबकारी विभाग की टीम की संयुक्त कार्रवाई करके रोडवेज बस स्टैंड के सामने बनी गिहार कॉलोनी में छापा मार कर कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया, वहीं सैकड़ों लीटर कच्ची शराब बरामद हुई है। लगातार पुलिस को रोडवेज बस स्टैंड के सामने बनी गिहार कॉलोनी में कच्ची शराब का अवैध कारोबार किए जाने की सूचना मिल रही थी। इन सूचनाओं पर आबकारी विभाग की टीम और थाना कोतवाली की टीम ने यहां बीती देर शाम संयुक्त छापामारी कार्रवाई की। पुलिस की इस कार्रवाई से पूरी गिहार कॉलोनी में हड़कंप मच गया। पुलिस ने यहां लगभग सभी मकानों को चेक किया, जिसमें पुलिस को 200 लीटर कच्ची शराब मिली। वहीं पुलिस ने इस छापामार कार्रवाई के दौरान कच्ची शराब का कारोबार करने वाले चार लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी देते हुए जिले के अपर पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह ने बताया है कि चारों ही पकड़े गए लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद जेल भेज दिया गया है। वहीं पुलिस का कच्ची शराब के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा। सर, आज कोतवाली क्षेत्र में अवैध शराब पकड़ी, कितनी शराब बरामद हुई, क्या लोगों की गिरफ्तारी हुई? आज पुलिस और आबकारी टीम की संयुक्त कार्रवाई की गई है। ग्यारह कॉलोनी है बसैनी के पास, वहाँ पर सूचना थी कि अवैध कच्ची शराब का विक्रय किया जा रहा है। इस सूचना पर दोनों टीम वहाँ पहुँची थी, मौके से चालू गिरफ्तार किया गया है। करीब 200 लीटर कच्ची शराब बरामद हुई है, मुकदमा लिख के अगर कार्रवाई की जा रही है।